हेलो स्टूडेंट्स आई मोहम्मद बिलाल भट्टी वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ मोशन एंड फोर्स श्योरली दिस लेक्चर विल रेक्टिफाई एंड रीवैप योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट हमारा आज का लेक्चर असाइनमेंट नंबर 14 और 15 पर है जो हमारी चैप्टर नंबर थ्री की लास्ट दो असाइनमेंट्स थी थ्रू आउट लेक्चर आप सुनते हुए जब आप लेक्चर सुनते रहे हैं देखते रहे हैं आप कॉमेंट्स में एंसर्स बताते रहे हैं और मैंने आपको कहा था आपसे वादा किया था कि मैं इन शाला जैसे ही इस चैप्टर को थ्रेटिकली कम्प्लीट करूँगा मैं तमाम असाइनमेंट्स के वर्कड सोल्यूशन आपकी खिदमत में रखूँगा आज वो बच्चों वादा पूरा हो गया आज लास्ट दो असाइनमेंट्स क्योंकि लेक्चर नंबर नम्... चैप्टर नंबर थ... थ्री में हमने फ़िफीन लेक्चर्स को स्टडी किया था आप लोगों ने फिफ्टीन लेक्चर्स को सुना था और हर लेक्चर के आखिर में मैंने आपकी खिदमत में असाइनमेंट रखी थी क्योंकि मैं आपको बोलता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही क्लिक और क्लियर होती हैं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको असाइनमेंट देता रहा आप उसको कोशिश करते रहे हैं अब जब आपने आंसर्स को आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो दो फायदे होंगे एक तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और दूसरा आपको वो जो सॉल्यूशंस हैं उनमें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर है वो आखिरी दो असाइनमेंट्स थी हमारी लास्ट दो लेक्चर्स की असाइनमेंट नंबर फोर्टीन और फिफ्टीन उनकी तरफ चलते हैं तो जो असाइनमेंट नंबर फोटीन थी ये भी जनरल केस ऑफ़ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ थी हालांकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था असाइनमेंट नंबर थर्टीन थी वो स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन था कि जिसमें प्रोजेक्टाइल को एक सर्टन हाइट से लॉन्च किया जाता है लेकिन असाइनमेंट नंबर फोर्टीन की तरफ चलें तो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च्ड एट फोर्टी फाइव डिग्री टू हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई तो यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका नाम रखा गया है ई एस्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेगलिजिबल ये तो हम जिस हमने जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा है हमारे लर्निंग आउटकम में भी ये मौजूद था कि हम जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ है तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट और ऑप्शंस हैं 0.5 ई e, 0.71 ई e, 0.87 ई e, या डेल्टा ऑप्शन है ई e, यानी उतनी ही रहेगी तो आइए स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट के वर्ड सोल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ के कन्फ्यूज होंगे कि सर हमने तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन की या प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है चाहे आपने नहीं पढ़ा लेकिन आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी वो कैसे आइए मैं आपको बताता हूँ देखिए स्टूडेंट्स पूछा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च किया और टॉप पर उसकी कार्नेटिक एनर्जी पूछी गई है आप पहले तो ये सोचिए कि कार्नेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है तो आपने पढ़ा हुआ है कार्नेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर हाफ एम वी स्केयर अब अगर आप टॉप पर कार्नेटिक एनर्जी की बात करें तो जो प्रोजेक्टाइल या जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसका मैथ तो नहीं बदलना चाहे बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमे चाहे स्ट्रेट लाइन में जाए चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करे मैच तो वही रहता है हाँ आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसकी विलोसिटी थ्रू आउट बदल रही होती है तो जब प्रोजेक्टाइल टॉप पर पहुंचेगा तो अब वहां पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर प्लग कर दें काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में तो यकीनन आपके पास टॉप की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अब टॉप पर पहुंचकर आपने सीखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल की सिर्फ एक विलोस्टी होती है और वो हॉरिजॉन्टल विलोस्टी होती है आप याद करें जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये बात कर रहा था कि प्रोजेक्टाइल मूव करता है आगे ऊपर आगे ऊपर फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर सिर्फ आगे मतलब अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है कोई ऐसा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर वो वन डायमेंशनल मोशन बन जाती है तो जवाब है यस एट पॉइंट तो इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ई एट टॉप पर निकालना चाहूं उसने काइनेटिक एनर्जी को ई e से रिप्रेजेंट किया आप के ई e भी कह सकते हैं या ई e सब्सक्रिप्ट में के लिख के ई के भी कह सकते हैं लेकिन जो लेटर क्वेश्चन में इस्तेमाल में आ रहा है मैं वही लिख रहा हूं तो ई e टॉप किसके बराबर होगा ये इक्वल होगा हाफ एम वी टॉप स्क्वेर्ड अब टॉप पर पहुंच प्रोजेक्टाइल मोशन जब अपने टॉप पर आता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है vx क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है तो मैं vx स्क्वायर लिख लेता हूं और अब आप जानते हैं कि जो vx होता है ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है और ये होता है vi cos थीटा तो ये vi cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पर और आपने ये भी पढ़ा हुआ है के जो थीटा है ये असल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है और वो है फोर्टी फाइव डिग्री आपको ये भी पता है कि फोर्टी फाइव डिग्री ऐसा एंगल होता है जिस पर रेंज मैक्सिमम होती है तो मैंने रिलायबिलिटी के लिए दोबारा बोल दिया ताकि आप को ये एम सी क्यू दोबारा सुनने से याद हो जाए कि फोर्टी फाइव डिग्री पर जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो मैक्सिमम होती है बहरहाल क्वेश्चन uh, की तरफ आए तो मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है वो बनता है हाफ एम वी आई स्क्वायर एंड को स्क्वायर थीटा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हाफ एम वी आई स्क्वायर गिवन है आप गौर करें ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूँ ई इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसका मतलब टॉप पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया तो उसकी जो फाइनल फॉर्म आ गई वो आ गई ई इनिशियल इनटू कोस केयर थीटा तो स्टूडेंट्स यहां पर ई इनिशियल का नाम ही उसने ई रखा है अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल ये टू हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई मतलब क्वेश्चन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का नाम ई रखा गया है तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह ई लिख लूं और कोसकेयर थीटा में मैं कोस स्केयर फोर्टी फाइव डिग्री लिख लेता हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन uh, को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा इसको कोसकेयर थीटा की बजाय फिजिक्स में हमेशा इसको लिखना चाहिए कॉस फोर्टी फाइव डिग्री का होल स्केयर ऐसा लिखने से मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली और इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं पैदा होती क्योंकि मैथ में ये बच्चे पढ़ते हैं कि जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्केयर करते हैं तो वो स्केयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आता है थीटा पर नहीं आता तो मैं इसको इस तरह इसलिए लिखता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि हमें पता है कि कॉस 45 डिग्री इक्वल होता है 0.707 पॉइंट सेवन जीरो सेवन साइन फोर्टी डिग्री कॉस फोर्टी डिग्री दोनों सेम होते हैं वन अपॉन अंडर टू या जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन तो इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पर जो टॉप पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई टॉप विल बी इक्वल टू ई इन टू वन अपॉन स्केयर रूट ऑफ टू वन अपॉन स्केयर रूट ऑफ टू मतलब ये भी ऑप्शन हो सकती थी कि टॉप पर काइनेटिक एनर्जी ई बाय अंडर रूट टू होगी या ई बाय टू होगी लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो फ्रैक्शन में है डेसीमल में है जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो ई जीरो पॉइंट सेवन वन ई जीरो पॉइंट एट सेवन ई या जस्ट ई ई का मतलब डेल्टा ऑप्शन का मतलब टॉप पर पहुँच कर कैनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी तो अगर आप वन बाय अंडर टू की नोमेरिकल वैल्यू प्लग करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है e टाइम्स ज़ीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है e टॉप ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स ई और आप देख लें हमारे पास जो इस एम सी क्यू की करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है बीटा क्योंकि अगर राउंड ऑफ करके 0.707 को लिखा जाए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो ये होगा 0.71 तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट है आइए स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था मैंने आपको जब ये कोई असाइनमेंट दी थी तब ये बोला था कि बच्चों ये जो असाइनमेंट है ये आपकी बुक के अंदर से ही कोई एग्जाम्पल या नुमेरिकल है तो जो समझदार बच्चा होगा उसने यकीनन इसको टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लिया होगा ये आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट यानी फिफ्टीनथ नुमेरिकल है थ्री पॉइंट वन फाइव या तीसरे चैप्टर का पंद्रवा नुमेरिकल है जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था ब्लिस्टिक विजल और रॉकेट प्रोपल्जन पर तो उस लास्ट लेक्चर में जो बलिस्टिक मिज़ल वाला टॉपिक था उसी के साथ जोड़ते हुए मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी वो जो नुमेरिकल था वो लास्ट नुमेरिकल ऑफ द टेक्स्ट बुक था तो इस लास्ट नुमेरिकल में आप गौर करें कहा ये जा रहा है कि एक बलिस्टिक मिज़ल है और वो तीन हज़ार किलोमीटर उसकी रेंज है और अगर उसको लॉन्च किया जाए फोर्टी फाइव डिग्री पर तो दो बातें पूछी गई थी के पहले तो बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और दूसरे नंबर पर पूछा गया था कि बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है अगर हम फार्मूला लगा कर वैल्यूज प्लग कर दें तो आपको पता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है वी आई स्क्न टू थीटा जी आपको फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो गिवन है 45 डिग्री और आपको पता है साइन टू इंटू फोर्टी फाइव डिग्री करूंगा तो ये बनेगा साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू वन तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है रेंज की वो बन जाती है वी आई स्क्वेयर साइन टू इंटू फोर्टी फाइव डिग्री जो कि साइन 90 बन जाएगा अपॉन जी और इसको मैं लिख सकता हूँ वी आई साइन 90 डिग्री अपॉन जी और साइन 90 डिग्री इक्वल होता है वन तो हमारे पास रेंज आ गई जो कि इनफैक्ट मैक्सिमम रेंज है अपॉन जी और यहाँ पर क्वेश्चन में वी आई रिक्वायर है तो आइए इनिशियल वेलोसिटी को प्रो आ, स, आ, सब्जेक्ट बना लेते हैं तो हमारे पास वी आई इक्वल हो जाएगा ये जी डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई जी आर का होल स्क्र रूट और यहाँ पर अगर आप वी आई की वैल्यूज़ को प्लग करें, वी आई के लिए जी और आर की वैल्यूज़ को प्लग करें तो जी है नाइन पॉइंट एट वन या नाइन पॉइंट एट टाइम्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में गिवन थी आप देख लें रेंज गिवन थी थ्री थाउजेंड किलोमीटर अगर आप इसको किलो किलोमीटर के बजाय मीटर में लिखना चाहें तो किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट थ्री तो ये बन जाएगा थ्री एक्सपोनेंट सिक्स मीटर तो मैं इधर लिखता हूँ जी थ्री एक्सपोनेंट 6 मीटर और अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो जवाब आता है फाइव पॉइंट फोर टू एक्सपोनेंट थ्री मीटर पर सेकेंड तो ये हमारे पास आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं प्रॉपर स्केच बनाने के लिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ब्लिस्टिक मिसाइल की जिसकी रेंज तीन हजार किलोमीटर हो और उसको फोर्टी फाइव डिग्री पर लॉन्च किया जाए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी दैट वुड बी फोर पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड आइए स्टूडेंट्स इसके बाद बादल का वो टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन था तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगेन हम फार्मूले का सहारा लेते हैं जो हम डेराइव कर चुके हुए हैं कि फ्लाइट इक्वल होता है टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम इसके पिछले पार्ट में ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो अभी आपने देखा फाइव पॉइंट फोर टू थ्री मीटर पर सेकेंड आई थी थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो गिवन है 45 डिग्री और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है तो अगर आप जस्ट वैल्यूज प्लग करें तो टू इन टू इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की फाइव पॉइंट फोर टू हमें ऐसा यूनिट्स में लिखनी है लिहाजा आप किलोमीटर पर सेकंड में कभी भी नहीं लिख सकते तो आप लिखेंगे फाइव पॉइंट फोर टू एक्सपोनेंट थ्री और साइन में जो एंगल गिवन uh, है फोर्टी फाइव डिग्री साइन फोर्टी फाइव डिग्री लिख लेता हूँ और साइन फोर्टी फाइव डिग्री होता है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन या वन अपॉन अंडर रूट टू और डिनोमिनेटर में है जी विच इज़ नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो अगर आप इसको मुकम्मल सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आता है सेवन एटी सेकेंड तो इसका मतलब इस बैलिस्टिक मिसाइल को ज़मीन तक पहुँचने में जहाँ से लॉन्च किया वहाँ से दोबारा ग्राउंड तक पहुँचने में 780 सेकंड्स सेकेंड्स लगेंगे अगेन बच्चों अगर आप इस टाइम का प्रॉपर स्केच बनाना चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सेकेंड की बजाय क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेकेंड्स बन गए हैं इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको सिक्सटी पे डिवाइड कर दूँगा क्योंकि एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो अगर आपने सेवन एटी सेकेंड में मिनट देखने हैं तो चैप्टर नंबर वन में आप यह कंप्लीट कन्वर्जेंस को सीखेंगे तो अगर तो वो चैप्टर नंबर वन में आपने सीख ली तो यह स्टेप आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है कि अगर आपने कभी भी सेकेंड से मिनट में जाना है तो आपको सिक्सटी पे डिवाइड करना होगा तो जैसे हम सेवन एटी को सिक्सटी पे डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है थर्टीन मिनट तो इसका मतलब Uh, जो uh, ऐसे बलिस्टिक मिज़ाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी uh, 5.42 एक, uh, पॉइंट फोर टू एक्स थ्री मीटर पर सेकेंड हो और 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाए ऐसे बलिस्टिक मिज़ल को ज़मीन तक पहुँचने में तेरह मिनट लगेंगे थर्टीन मिनट्स लगेंगे तो स्टूडेंट्स uh, ये हमारा जो लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर था असाइनमेंट्स का जिसमें हमने असाइनमेंट नंबर फोटीन और फिफ्टीन का कम्प्लीट वर्क uh, सोल्यूशन किया है असाइनमेंट नंबर जो 14 थी वो प्रोजेक्ट टाइल मोशन के हवाले से थी कि जिसमें हमें टॉप पर काइनेटिक एनर्जी को अवेलुएट किया और जो असाइनमेंट नंबर 15 लास्ट असाइनमेंट थी ये असल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो आपकी टेक्स्ट बुक का ये 15 असाइनमेंट और आपकी टेक्स्ट बुक का ये 15 ही न्यूमेरिकल था जिसमें दो चीज़ें रिक्वायर की गई थी नंबर वन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताकर इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी और क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमने वही इनिशियल वेलोसिटी प्लग करके टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बलिस्टिक मिजल को फाइंड आउट करना था तो स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हुई आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ इन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर थ्री के एक्सरसाइज का पार्ट है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और नूमेरिकल्स हैं हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद